जेपीएससी का पीटी सिलेबस और मेन सिलेबस पर फोकस करता है। ये देखते हैं, जैसे भी हमने बताया भी, पेपर वन, पेपर टू, पेपर वन जीएस के 100 क्वेश्चन, झारखंड जीएस के 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो मेरे आपका देखिए 200 मार्क्स का हो गया ना जी, पेपर टू झारखंड जीएस 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 क्वेश्चन हो गया ना जी। और याद रखना, जेपीएससी हो या कोई भी पीएससी हो, वो 2-2 घंटे के एग्जाम ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब पेपर वन पेपर टू दोनों मिला के 200-200 बोले तो क्या 400 मार्क्स हो गए या नहीं, हो गए। अब क्या है, आपके जेपीएससी मेंस अगर आप देते हो तो इसमें आप देखोगे 6 पेपर में बटे हुए जी। कितने पेपर में बटे हैं? 6 पेपर में। पेपर वन हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स। और याद रखोगे जो भी मेंस होते हैं, जो भी सिविल सर्विस के मेंस होते हैं, वो लगभग 3 घंटे के सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 घंटा देखिए हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स है। देखिए मार्क्स घटे बढ़े होंगे, लेकिन याद रखो कोई भी पीटी 2 घंटा का और कोई भी मेंस कितने घंटा का? 3 घंटा का। क्योंकि देखिए आप तैयारी करो उससे पहले ये सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश देखोगे 100 मार्क्स के, 3 घंटा का क्लास, मतलब 3 घंटे के आपके एग्जाम होंगे, मतलब हिंदी भी और इंग्लिश भी, मतलब 100 मार्क्स बोले तो 50 हिंदी 50 इंग्लिश। और पेपर टू लैंग्वेज और लिटरेचर 150 मार्क्स के, यहाँ पर आपको लैंग्वेज चुनना पड़ेगा कि आप क्या लेना चाहते हो, हिंदी, खोटा, इंग्लिश, वाट एवर, 3 घंटे के। पेपर थ्री में हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर थ्री बोले तो हिस्ट्री ज्योग्राफी 200 मार्क्स। पेपर फोर कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस बोले तो संविधान, लोक प्रशासन और सुशासन से 200 मार्क्स के क्वेश्चन। हाँ, पीटी जो होते हैं ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उस पे से एक टिक करना है, ठीक है। लेकिन मेंस की अगर बात करोगे तो ये डिस्क्रिप्टिव होंगे। कैसे होंगे? डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णात्मक, मतलब आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर फाइव की अगर बात करोगे तो यहाँ इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट से 200 क्वेश्चन। पेपर सिक्स साइंस, इन्वायरमेंट से 200 क्वेश्चन ये देखने को मिलते हैं। और देखो हर तरह का क्वेश्चन आप देखोगे अन अकेडमी में, आप देखोगे लास्ट कई सारे क्लास में दिए गए हैं, आप बैक करके देख सकते हो। और हमारे एचआर अकेडमी यूट्यूब चैनल में भी आप जरूर से देखें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बोले कि अन अकेडमी में हमारे प्लस स्पेशल क्लास से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एचआर अकेडमी में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बताए टोटल जोड़िए तो 1050 मार्क्स, इंटरव्यू 100 मार्क्स और जेपीएससी में किसी तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ तो बता दिया गया, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई असुविधा नहीं है। तो जेपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई दिक्कत आपको नहीं है।